से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है, आपने कई बार एक्स पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं। तो ये चुप्पी कितनी खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी। यार रविकांत, ये सवाल आपको राहुल को पूछना है, वहां हिम्मत नहीं है, तुम मुझे पूछ रहे हो, उनको पूछो ना, काहे को चुप हो भाई। हाँ बोलो या ना बोलो, जो बोलना है वो बोलो। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। जो कश्मीर के सो कॉल्ड अपने आपके मित्र है, वो घाटी में रहते भी नहीं थे, लंदन में जाकर बसे थे और यहां जनता को मरने के लिए खुला छोड़ दिया था। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इसी महीने इलेक्शन होने वाले हैं। हरियाणा में अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में इलेक्शन होने वाले हैं। इसके लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन है, उसकी इस समय बागडोर है, वो पूरी तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई है। अमित शाह का तल्ख लहजा कई बार तमाम न्यूज़ चैनल्स के इंटरव्यूज़ हों या फिर सदन के अंदर हो, आपने देखा होगा, सुना होगा, तमाम सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल होती रहती हैं। जब भी धारा 370 की अगर कभी बात होती है तो गृहमंत्री अमित शाह बहुत ही तल्ख लहजे से जवाब देते हैं, उसका प्रतिक्रिया भी देते हैं। इस समय अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं, वो अपनी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। एक दिन पहले की बात है, जम्मू कश्मीर में ही अमित शाह अपने पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। उस वक्त एक पत्रकार ने उनसे 370 पर और कांग्रेस के स्टैंड पर एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब से घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आया है, उसके बाद से राहुल गांधी से आप कई बार सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसमें अमित शाह एकदम से जर्नलिस्ट के ऊपर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है ये सवाल राहुल गांधी से पूछने की हिम्मत है या नहीं, आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे ये कहानी समझाते हैं। सर, आपने 370 के बारे में बहुत बार बातें की, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है, आपने कई बार एक्स पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं, कांग्रेस पार्टी चुप है। तो ये चुप्पी कितनी खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी। यार रविकांत, ये सवाल आपको राहुल को पूछना है, वहां हिम्मत नहीं है, तुम मुझे पूछ रहे हो। सर, उनको पूछो ना, काहे को चुप हो भाई। हाँ बोलो या ना बोलो, जो बोलना है वो बोलो। सर, अरे वो कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है। एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। सर, एक दूसरा सवाल है इसी में कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग राज कर रहे हैं। चलिए, अभी मैं इस तरह की टिप्पणियों को जवाब नहीं दे सकता। अगर राष्ट्रपति शासन को वो बाहर का कहते हैं, तो मुझे श्रीमान राहुल गांधी को बताना है कि आपकी पार्टी के शासन में हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कश्मीर में रहा है, और जो कश्मीर के सो कॉल्ड अपने आपके मित्र है, वो घाटी में रहते भी नहीं थे, लंदन में जाकर बसे थे और यहाँ जनता को मरने के लिए खुला छोड़ दिया था। 2 मिनट को सेकंड का ये वीडियो आपने देखा होगा, किस तरह अमित शाह ने एक सख्त लहजे में, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और वो जर्नलिस्ट को ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप ये सवाल जाकर के राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछते, क्या उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है। और इसी तरह आप देखिए, जब भी राहुल गांधी से भी कभी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो वो जवाब में यही देते हैं कि क्या आप बीजेपी के नेताओं से आपकी पूछने की हिम्मत नहीं है। हालांकि ये नेताओं की जुगलबंदी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में इस समय हाई वोल्टेज एकदम इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। एक दिन राहुल गांधी भी वहाँ पर गए हैं, लोगों को वहाँ पर मुखातिब हुए हैं, बच्चियों से मिले हैं, वहाँ के लोकल लोगों से मिले, रैली को संबोधित किया है, और फिर उसने एक बार राहुल गांधी ने यही बात कही है कि हम लोग जोड़ने वाले हैं और वो लोग तोड़ने वाले हैं। जब उन्होंने ये लाइन बोली, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के जहाँ रैली कर रहे थे, वहाँ तालियों से उनकी वो पूरा पंडाल जो था वो गूंज उठा था। इस समय जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से इस इलेक्शन को शांतिपूर्वक ढंग से कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, और अमित शाह जो कि अटैकिंग मोड पर वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, और आज जिस समय वो स्पीच दे रहे थे, आज भी उनका वहाँ पर एक रैली हुई है।
अमित शाह एकदम बहुत ही तेज चिल्लाते हुए वहां पर कह रहे थे कि अब धारा 370 एक इतिहास बन चुका है, ये एक पुराने जमाने की बात हो चली है, धारा 370 किसी कीमत पे नहीं हटाएंगे, इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़ जाए, चाहे राहुल गांधी से मुझे राहुल गांधी से मुकाबला करना पड़ जाए। मतलब एक बात यहाँ पर बीजेपी इस बार जो इलेक्शन कैंपेन हो रहा है सबसे बड़ा फोकस में है आर्टिकल 370 जिसको हटाने को लेकर कि पार्टी जो है बीजेपी एकदम से एग्रेसिव मोड पे है और हर जितनी भी रैलियां हो रही हैं वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि धारा 370 अब इतिहास की बात है, इसको कोई नहीं हटा सकता।